श्रीगंगानगर के हनुमगढ़ में प्रवासी मजदूरों का आना जारी है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ जिले सहित पंजाब से अनेक मजदूर जैसलमेर और बीकानेर मजदूरी करने गए थे, जो अनूपगढ़ के रास्ते वापस लौट रहे हैं। ऐसे में प्रशासन ने निरंकारी भवन के पास चेक पोस्ट बनाई, जहां एसडीएम, तहसीलदार, बीसीएमओ, एसएचओ निगरानी रख रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम सभी मजदूरों की स्क्रीनिंग कर रहा है। नगर के अनूपगढ़ में जो प्रवासी मजदूर है उनका 3 दिन से लगातार जो आना जारी है। यहाँ पे जो है प्रशासन भी यहाँ पे पहुँचा हुआ है, स्वास्थ्य विभाग की भी जो टीम पहुँची हुई है, लगातार जो सभी मजदूरों का जो स्क्रीनिंग की जा रही है। गुरुद्वारा सिंह सभा की ओर से जो चाय लंगर की व्यवस्था की गई है, संख्या में मजदूर है, प्रशासन जो है इनके भोजन पानी की व्यवस्था कर रहा है, जो लगातार है। जो इधर अभी आप कैमरा मैन को दिखा देंगे, ये जो बसें हैं लगातार जो है मोहनगढ़, जो बज्जू, बीकानेर, जैसलमेर की तरफ से आ रही है। गंगानगर व हनुमानगढ़ जिले से जो है हजारों की संख्या में जो मजदूरी करने के लिए जो बीकानेर और जैसलमेर जिले में गए हुए हैं, जो लगातार 3 दिन से जो है इनका आवाजन गमन, और जो अनूपगढ़ से उगते हुए ये जो गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले की ओर जा रहे हैं, अनूपगढ़ प्रशासन द्वारा यहाँ पे जो इनकी जांच की जा रही है, इनके स्वास्थ्य की जांच की जा रही है, और इनके जो भोजन पानी की व्यवस्था करके इनको जो उचित जगह पहुँचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। कैमरामैन रवदीप के साथ मलकीत सिंह, A1 TV, अनूपगढ़।